काव्य पाठ के सांझे पटल श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता पर आज हम आनंद लेंगे एक ऐसी अद्भुत रचना का जो मेरे और आपके जीवन से सीधे सीधे संबंध रखती है। इस रचना को हम तक पहुंचा रहे हैं डॉक्टर दिनेश धाधी जी, जो कि जाने माने शिक्षाविद, समालोचक, साहित्य मर्मज्ञ, शायर तथा कवि हैं। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर दिनेश धाधी जी का इस काव्य पाठ के लिए। दोस्तों, आप सबको दिनेश दधीची का नमस्कार। आज मैं रानी विक्टोरिया के पीरियड के एक ऐसे प्रतिभाशाली कवि की कविता का भावानुवाद हिंदी कविता के रूप में आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसकी प्रतिभा का सही मूल्यांकन दुर्भाग्यवश आज तक नहीं हुआ है। ये कवि हैं कोवेंट्री वेटमोर और कविता का शीर्षक है द टॉयज। इस कविता की ओरिजिनल टेक्स्ट आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी। तो प्रस्तुत है इस मर्मस्पर्शी कविता का हिंदी में भावानुवाद। शीर्षक है खिलौने। खिलौने। मेरा नन्हा बेटा शांत रहा करता था, अक्सर बड़ों के जैसी चिंतनशील निगाहों से देखा करता था, वैसे ही चलता फिरता था और बोलता भी यूं ही था। मेरा नन्हा बेटा शांत रहा करता था, अक्सर बड़ों के जैसी चिंतनशील निगाहों से देखा करता था, वैसे ही चलता फिरता था और बोलता भी यूं ही था। एक दिन जब उसने तोड़ा कानून मेरा 6-7 बार, तो मैंने उसको पीटा, कुछ कठोर शब्द बोले और बिना किसी चुंबन के उसको दे डाला आदेश चले जाने का। एक दिन जब उसने तोड़ा कानून मेरा 6-7 बार, तो मैंने उसको पीटा, कुछ कठोर शब्द बोले और बिना किसी चुंबन के उसको दे डाला आदेश चले जाने का। उसकी मां होती तो धैर्य दिखाती शायद, लेकिन वह तो पहले ही परलोक जा चुकी थी। फिर इस डर से कहीं गहन संताप से उसकी नींद भी बाधित ना हो जाए, मैं उसके बिस्तर के पास गया चुपके से। गहरी नींद में सोया था वह। फिर इस डर से कहीं गहन संताप से उसकी नींद भी बाधित ना हो जाए, मैं उसके बिस्तर के पास गया चुपके से। गहरी नींद में सोया था वह। उसकी पलकें अब तक आंसू से गीली थीं। बहुत सिसकता रहा था वो सोने से पहले, सच बोलूं तो सिसका मैं भी। उसके आंसू चुंबन से फिर पहुंचे मैंने, और खुद भी फिर रहा बहाता चुप चुप आंसू। उसके सिर के पास खींच कर रखी हुई मेज के ऊपर उसने अपनी पहुंच के भीतर रख छोड़ी थी कितनी चीजें, गोटियों का एक बक्सा छोटा, लाल धारियों वाला पत्थर, सागर तट से लिया हुआ एक घिसे कांच का छोटा टुकड़ा, 6 या 7 सीपियां, जंगली ब्लू बेल की एक बोतल और तांबे के कुछ सिक्के उसने खूब सजा रखे थे, अपने दिल की घनी उदासी दूर हो सके इस ख्याल से। तो रात को जब मैं करने लगा प्रार्थना, आंसू छलक पड़े मेरी आंखों से और मैं बोला, हे ईश्वर, जब रुक जाएगी सांस हमारी, नहीं हरकतें कर पाएंगे उल्टी सीधी, और याद आएगा तुमको कैसे हम मन बहलाते थे खेल खिलौनों से जीवन भर, नहीं समझ पाते थे हम आदेश तुम्हारे और हित अपना, तब माटी से निर्मित मुझ जैसे एक पिता सरीखे परम पिता, क्या नहीं तुम्हारा हृदय द्रवित होगा उस पल में, नहीं क्रोध सारा घुल जाएगा क्या,
यह बचपना हमारा सारा देख देख कर। धन्यवाद। पिता पुत्र के संबंध की घर घर की कहानी को बयां करती, आंखें नम करती, दिल को द्रवित करती ये रचना और इस रचना के लिए डॉक्टर भतीज जी का विशेष आभार, जिन्होंने इतना समय हमारे लिए निकाला, एक अपनी रचना हमसे साझा की। इसके साथ ही साथ हम आपसे वादा करते हैं कि अगले एपिसोड में फिर एक श्रेष्ठ कवि की श्रेष्ठ रचना लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आभार, धन्यवाद, नमस्कार।